में आपने इस रात और इसको यादगार बनाने का काम, इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने में आपने जो हमारी मंदिर समिति को सहयोग किया है वो काबिले तारीफ है। मैं बार बार आपका धन्यवाद करते हुए और आज बाबा की सेवा में परम आदरणीय बाबा रामदेव जी के श्री चरणों में इस मंदिर समिति की जितनी तारीफ की जाए कम है। इस मिनी रुणीचा धाम के निर्माण में मंदिर समिति के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई बलबीर सिंह और पूरी समिति, उपाध्यक्ष आदरणीय गोपी जी और हम सब के संरक्षक भाई मेहरचंद जी, नानक प्रधान जी और हमारे समिति के बहुत ही प्रमुख सदस्य और प्रवक्ता मेरे भाई चंद्रपाल जी, समस्त भक्तगण, समस्त गायक मंडली, भजन गायक मंडली, समस्त मेरी माता बहने, आप सब के सहयोग से आज ये दिन जो हमें देखने को नसीब हुआ है, मेरे पास शब्द नहीं है इस गांव का धन्यवाद करने के लिए, समिति का धन्यवाद करने के लिए। ये सिर्फ पार्टी की बात नहीं है, ये सिर्फ संजय कॉलोनी की बात नहीं है, ये मंदिर जिस तरह बाबा रामदेव का, बाबा रामदेव जी का परम स्थान दुनिया में प्रसिद्ध है, उसी तरह से उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे संरक्षक परम पूज्य आनंद सिंह तंवर जी की नेतृत्व में जो आपने यहाँ मिनी रुणीचा धाम बनाने का काम किया है, बल्कि मेरा मानना तो यह है कि आपने जिस तरह से इस मंदिर को सजाने का काम किया है, ये पर्यटन स्थल बनाने का काम किया है और अगले साल से जब यह मंदिर पूरी तरह से तालाब सरोवर सब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएंगे तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह साल में मैं रात को ही नेट पे चेक कर रहा था तो कम से कम 1 करोड़ लोग बाबा रामदेव जी के मंदिर में रामदेवरा मत्था टेकने आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ तुरंत पंचे मिलते हैं, तुरंत चमत्कार होता है बाबा के आशीर्वाद से। उसी तरह से जिस तरह इस मंदिर का निर्माण यहाँ हुआ है, आने वाले कुछ समय में ये भारतीय माइंस, अगर ये वाइल्ड लाइफ के नाम से जानी जाएगी तो ये मिनी रुणीचा धाम के नाम से भी जानी जाएगी और आने वाले वर्षों में पूरे देश से पर्यटक हमारे यहाँ आएंगे। इस मंदिर समिति की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अभी आपने रवि रावण जी से जो बाबा के भजन सुने, आपके बीच में ये छोटी सी मंडली, ये मेरे शिष्य हैं राजेंद्र तंवर एंड पार्टी, आपके बीच में थोड़ा सा स्टाइल अलग हो सकता है, थोड़ी सी बोलने की जो विधि है वो थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन हम सबका लक्ष्य एक ही है, बाबा श्री रामदेव जी का गुणगान करना। हम भी कुछ देर के लिए ये पार्टी आपका भरपूर मनोरंजन और बाबा के श्री चरणों में गुणगान प्रस्तुत करने के लिए आपके बीच में प्रस्तुत है। थोड़ा बहुत भाषा का अंतर हो सकता है,
लेकिन उस दरबार में सभी भाषाएं सुनी जाती हैं। बाबा के लिए सभी भाषाएं एक हैं, और मैं तो खुद जीता जागता उदाहरण हूं। जिस दिन से मुझे बाबा का आदेश हुआ, जिस दिन से इस मंदिर समिति ने बाबा के मंदिर को भव्य बनाने का काम शुरू किया, उसी दिन से इस गांव के जो हालात थे वो बदतर से बेहतर होते चले गए। और मैं ये विश्वास करता हूं, मुझे ये उम्मीद है, जिस तरह से इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, हम लोग जो यहां बसे हुए, इतनी बड़ी आबादी जो यहां बसी हुई है, इससे भी बड़ी आबादी यहां पर दो गांव बलबीर नगर और इंदिरा नगर और होते थे, लेकिन आज उनका नामो निशान नहीं है। अगर भगीरथ नगर संजय कॉलोनी यहां बसी हुई है तो मेरा मानना है सिर्फ और सिर्फ बाबा रामदेव जी की कृपा। और जब बाबा रामदेव ने ये देखा कि ये बच्चे तेरा भव्य मंदिर, भव्य आसन, भव्य मूर्ति का निर्माण करने जा रहे हैं, भव्य मूर्ति की स्थापना करने जा रहे हैं, तो बाबा ने अपनी मूर्ति स्थापना से पहले ही किसी भी रास्ते से, मैं नहीं कहता मैंने कुछ किया है, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से आदरणीय परम पूज्य आनंद सिंह तंवर जी आपके आशीर्वाद से इस पूरे गांव की गलियां, लगभग पूरे गांव की गलियां बिना किसी सरकार के सहयोग के पक्की हो गई हैं। उसका कारण बाबा रामदेव जी ने जब यह चमत्कार किया, और जब बाबा रामदेव जी ने, मेरा मानना यह है कि जिस तरह 1409 में बाबा जी का जन्म हुआ, बहुत छोटी सी उम्र में, सिर्फ 33 साल की उम्र में बाबा जी ने समाधि ली, और मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है कि मैं भी उसी तंवर वंश का वंशज हूं। यह पूरा विश्वास है कि किसी ना किसी रूप में, कभी ना कभी, चूंकि बाबा रामदेव जी और बाबा महाराज अनंगपाल तंवर जी के आपसी संबंध थे, तो कभी ना कभी तो बाबा अपने जीवन काल में इस जगह जरूर रुके। एक आज उनके इस भव्य मंदिर को देखकर मन उल्लासित हो जाता है। बाबा रामदेव जी ने जब ये देखा कि यहाँ इतने लोग तेरे दर्शन के लिए आएंगे, और वो आके इस 50-60 हजार की आबादी के लोगों को ये कहेंगे कि यहाँ चलने लायक सड़कें भी नहीं है, तो ये तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए बाबा रामदेव जी की कृपा हुई, और अगर आपकी कृपा इसी तरह बनी रही तो ये मुझे आशा निपूर्ण विश्वास है कि ये गांव एक दिन छतरपुर से ऊपर होगा। आपका ज्यादा समय न लेते हुए ये बचपन की आपके बीच में, और एक जल्दी की दो।